तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया गया है। अगर स्टूडेंट आप सभी भी आरपीएफ एसआई या कॉन्स्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास की बदौलत ऐसे बहुत सारे प्रश्न लिया गया है जहाँ से कि आप सभी के एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न रिपीटेड किए जाते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगर स्टूडेंट आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जोड़ दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि आप सभी अपने एग्जाम के प्रति अपने सपने को साकार करने के प्रति आप लोग कितनी तैयारी कर रखे हैं, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन की बात करते हैं किसने प्रारंभ किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनोबा भावे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है और मैं आप सभी से बार बार वादा करता हूं कि इस क्लास को आप लोग इन तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक की बात करते हैं स्टूडेंट कि आनंद मठ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दो का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। एशियाटिक बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स या जेम्स मैकिनटॉश या जेम्स प्रिंसेप। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर विलियम जोन्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर स्टेंट आप सभी आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कॉन्स्टेबल के लिए अगर प्रीवियस इस क्वेश्चन भी लगाना चाहते हैं तो आज की इस क्लास में आप सभी बताने वाला हूँ कि आप लोग कहाँ से जाकर के इस चैनल के ऊपर जाकर के आप सभी कहाँ से प्रीवियस इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास को आप सभी एंड तक जुड़ देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न फोन नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, साइमन आयोग का प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन का योजना या माउंट वेटन योजना या क्रिप्स प्रस्ताव। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, यानी कि प्रथम भारतीय ऐसा कौन व्यक्ति थे जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 5 का। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा कि 5 का क्या आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है एंड स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। आप लोग देख पा रहे हैं कि यार ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट हो रहा होगा कि क्या सर ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं आप सभी को प्रीवियस इस क्वेश्चन भी दिखाना चाहूंगा कि आखिर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इस क्लास के अंदर प्रीवियस इस क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लिया गया है, ठीक है। चलिए
सिक्स नंबर प्रश्न की ओर बात करते कर रहे कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। वंदे मातरम कहाँ से संकलित हो जाएगा, तो सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का सेवन नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो सेवन का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि शक संवत ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का एट नंबर प्रश्न है और इस क्लास के अंदर स्टूडेंट आप सभी के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो लिया गया। आप लोगों को क्लास के एंड में एक कमेंट डालना है कि आखिर आप सभी ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, आप सभी के पास कितना कैपेसिटी है, आप सभी ने कितना प्रिपरेशन कर रखा है इस एग्जाम के प्रति। मैं वो देखना चाहता हूँ, मैं उस जोश और जज्बे को देखना चाहता हूँ कि आप लोग 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन को लगा पाते हैं, ताकि आप लोग अपने एग्जाम के प्रति कितना तैयारी कर रखे, ठीक है ना। चलिए एक नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वस्तुविद कौन थे। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, तो एट का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडवर्ड लुटियंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का नाइन नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, यानी कि यही वो व्यक्ति थे जिन्हें भारत की पहले ये व्यक्ति थे जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा हटकर पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि नहीं वाला वर्ड नहीं दे करके वो लोग हाय वाला वर्ड दे करके ऑप्शन टिक मारने लगते हैं, लेकिन यहीं पर लोग गलती करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कपाल कुंडला इनका कृति नहीं है, बाकी सब इनका कृति है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्न दस नंबर पूछा जा रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। फिर से एक बार पढ़ते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, तो 10 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था, कार्य पूरा हुआ। किस गवर्नर के कार्यकाल में 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि रीडिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर की भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन की बात करते स्टूडेंट कि किसने तैयार किया था, तो 12 का हो जाएगा आप सभी का पिंगली वेक्या, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेद व्यास उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो वेद व्यास रचनाकार की बात करें, उपन्यास के रचनाकार की बात करते हैं, तो 13 का हो जाएगा बी यानी कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो चित्रा उपन्यास की बात करते हैं स्टूडेंट कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है,
तो फटाफट इसके आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन, प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे आप सभी के प्रेमनंद। प्रेमनंद ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास के झलक के रचयिता की बात करते हैं तो 16 का हो जाएगा आप सभी का जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहीं कहीं पर गई गाई गई थी, कहाँ पर गाया गया था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में बात करते कि पहली बार समाचार पत्र किसने शुरू किया था, प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए में दादा भाई नरोजी, बी में सैयद अहमद खां, सी में रविंद्रनाथ टैगोर और डी में जेम्स हिकी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जेम्स हिकी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 19 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? देखिए आप लोगों के जो बार बार यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि लेखक कौन है, रचयिता कौन है, उपन्यास के रचयिता कौन है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कि लेखक और बुक से संबंधित पूछे जाते हैं। इसीलिए इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए लेखक एंड बुक से आप सभी के प्रश्न लिए गए, बुक एंड ऑथर्स के, जो कि काफी इंपोर्टेंट होते हैं आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो, ठीक है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? 21 का जगह ऑप्शन नंबर यानी कि भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न नंबर है कि गोदान किसकी रचना है? तो गोदान की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का प्रेमचंद का हो जाएगा। भारत भारती के रचयिता की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आप सभी के मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिक्षा से हो जाएगा। किससे इनका संबंध हो जाएगा? शिक्षा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 25 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय समवयता कब से लागू कर दिया था? ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर की खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ किसने किया था, तो 26 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अली बंधुओं ने किया था, अली बंधुओं ने, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया, भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया, 27 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका किसकी स्थापना है, 28 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीडर, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लीडर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 30 नंबर प्रश्न है कि झंडा गीत किसने लिखा, तो झंडा गीत की बात करते हैं किसने लिखा है, तो ये हो जाएंगे आप सभी के श्यामलाल गुप्त पर हो जाएंगे दर। अगला प्रश्न है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, सिविल सर्विस की बात किया जाए तो कितने में स्वीकार किया गया था, तो ये 1853 में स्वीकार किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, कह रहे कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवेलिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था, तो यह जगह आप सभी का 1786 का एक्ट में मिला था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 33 नंबर प्रश्न है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो 34 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणा आसफ अली हो जाएंगे, अरुणा आसफ अली ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, 35 नंबर प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत लिखा था, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तो 35 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो 36 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1936 में, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का अगला प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर क्या पूछा जा रहा है, करें कि 1878 का कार्नोक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, तो 37 का हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 38 नंबर की अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो 38 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि तारकनाथ दास हो जाएंगे, तारकनाथ दास ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था, इंडिया अनरेस्ट के लेखक की बात करते हैं, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेलेंटाइन सिरोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 40 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी वाहिनी के संपादक, तो स्वदेशी वाहिनी के संपादक की बात करते हैं, तो 40 का जगह से यानी कि के राकेश कृष्ण पिल्ले हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 41 नंबर की निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडिया ओपिनियन पत्र नहीं छपा था, तो 41 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिल में, ऑप्शन नंबर सी तमिल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं,
इंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसने विकास पर विशेष जोर दिया था? तो 42 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 43 नंबर की, किस एक्ट के दौरान भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेसरशिप लागू किया था? 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेलेंसली ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 45 नंबर की, निम्नलिखित में सबसे बाद क्या हुआ, सबसे बाद क्या हुआ? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल का विभाजन। चलिए अगला प्रश्न है उसी का कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ? 46 का हो जाएगा रेगुलेट एक्ट 1773 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो प्रथम भारतीय की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या था? तो उनके नाम की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आप सभी के मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, आप सभी उस वर्दी के सपने को साकार करने के लिए आप सभी का कितना तैयारी हो रखा है आज की इस क्लास के अंदर पता लगने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में ओडिशा, बी में राजस्थान, सी में महाराष्ट्र और डी में उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में आंध्र प्रदेश और डी में तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को मैं क्लास के अंदर बताने वाला सिर्फ 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ से कि आप सभी के 5 नंबर 100% कन्फर्म होने वाला है। अगर आप सभी ने वो 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं तो उसी से आप सभी के ऐसे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला की बात करते स्टूडेंट कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन नंबर ए में लखनऊ में, बी में अजमेर में, सी में कन्याकुमारी और डी में है उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजमेर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न के आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, निम्नलिखित में से
किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिपुत्र में अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में शिव, बी में विष्णु, सी में बुद्ध और डी में सूर्य। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12 या 14? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना। और आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर करिएगा, ताकि वो सभी भी अपने एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 395। 395 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, 390 50 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया? सर्वप्रथम किसने 1857 की जो विद्रोह हुआ था तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया? तो आप सभी का 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंजामिन डिजराइली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, यानी कैसे कौन व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिया था, कौन था? तो आप सभी के RH डायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहीं पर गाया गया था, यानी कहाँ पर गाया गया था? पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो ये कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था किसने किया था? तो फटाफट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अली बंधुओं ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि विलियम्स वह ने निम्नलिखित में किस खेल के लिए जानी जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में बैडमिंटन, सी में टेबल टेनिस, बी में टेबल टेनिस, सी में है टेनिस और डी में फुटबॉल। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेनिस से संबंधित हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि चूकर किस खेल से संबंधित है?
चुकर जो कि शब्द वाली है, ठीक है ना, जो शब्द बोले जाते हैं वो है। तो कह रहे कि चुकर किस खेल से संबंधित है, तो 13 का अच्छा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोलो से संबंधित हो जाता है। पोलो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल की बात करते हुए स्टैंड के आप सभी के गोबी मरुस्थल किस देश में हो जाएगा, तो फटाफट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का जाएगा आप सभी का मलेशिया में, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 15 नंबर प्रश्न है कि नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोलोरेडो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोलोरेडो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। 16 नंबर प्रश्न है कि लंदन किस नदी के किनारे है। तो 16 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि थेम्स नदी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा थेम्स नदी के किनारे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 17 नंबर की वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो 17 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडम स्मिथ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर की कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कनाडा के राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं स्टूडेंट की कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आइस हॉकी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर की ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतरोही कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चित है एंड आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 21 नंबर प्रश्न है कि अल्बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, करे कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहलोल लोधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं एंड अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीर खुसरो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर है और अभी मैं आप सभी के वो 5 टॉपिक ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर ये 5 टॉपिक ऐसा कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% लिखित है
कि यहाँ से 5 क्वेश्चन आपसे के इस टॉपिक से पूछेगा ही पूछेगा। और जिसने ये 5 टॉपिक को नहीं समझाना तो भाई यार मैं गारंटी देता हूँ कि आप सभी के 5 नंबर छूट जाएंगे। अगर आप लोग अच्छे तरीके से 5 नंबर पर स्कोर करना चाहते तो आप लोग इस 5 टॉपिक को जान कर के जिएगा कि ऐसा 5 टॉपिक कौन सा है जिससे कि 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। 24 नंबर है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। 24 का अच्छा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आगरा। अगला है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। 25 का हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अश्विनी का 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जय नक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर की 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी के जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि M.N. राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। तो आप सी के मोहन जोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 30 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और 5 टॉपिक की बात किया जाए कि आखिर वो 5 टॉपिक कौन सा था, तो आप सभी को मैं बता दूं कि यार ये 5 टॉपिक जो है ना आप सभी ने अगर अच्छे तरीके से रीड कर लिया तो आप सभी के यार एग्जाम में 100% 5 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। पहला जो आप सभी के संविधान आता है, पहला में आता है संविधान। अब संविधान में बात करें कौन कौन सा है। संविधान में तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो अनुच्छेद जो होता है ना अनुच्छेद से आपसे एक प्रश्न पूछेगा, वो भी 50 नंबर 50वां अनुच्छेद और 52वां अनुच्छेद जो है आपसे कि यहाँ से प्रश्न पूछता है। उसकी बात करते हैं आपसे कि हड़प्पा सभ्यता से 1 से 2 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ये तो 100% गारंटी के पूछेगा। उसके बाद बात करते हैं आप सभी के देखिएगा, उसके बाद एक नृत्य से प्रश्न पूछेगा और उसके बाद एक आपसी के झील से प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। और एक बात करें तो ये चुनिंदे प्रश्न है, ये निश्चित वाले प्रश्न है जो कि आपसी के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को एंड करते हैं। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेगा कि आपसी क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।